हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी जेम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर नेट एसआरएफ गेट या किसी और तरह के मैथमेटिक्स के इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये है मेरी वीडियोस। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 13 पढ़ रहे हैं। इसमें तो इसमें हम पढ़ने वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे इफ सम इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स टू डॉट इंटीग्रेशन वी डी एक्स इक्वल टू वी माइनस लॉग वन प्लस वी प्लस ए वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट एंड वी जीरो बराबर जीरो देन वी इज जब तो हमें वी को निकालना है। फिर इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टू वी डी, ये है टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इक्वल टू वी माइनस लॉग वन प्लस बी प्लस ए। बेसिकली ये है हमारे पास। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। इस कंडीशन में इस पर इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये टू डॉट बी रह जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस बी, वन प्लस बी का होगा तो डी बी अपॉन डी एक्स ये आ गया हमारे पास। या इसको लिख सकते हैं हम, इसको अगर लिखना चाहें तो इसको डी बी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस बी डी बी अपॉन डी एक्स ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, यहां से हमें निकालना है डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो पहले हम चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस बी माइनस वन आ जाएगा। वन प्लस अगर वन प्लस बी हम एलसीएम लेंगे तो वन प्लस बी एंड माइनस वन अपॉन वन प्लस बी ये आएगा। तो यहां से वन से वन कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास बी अपॉन वन प्लस बी। तो ये हमारे पास आ गया यहां से टू वी इक्वल टू वी अपॉन वन प्लस बी डॉट डी बी अपॉन डी एक्स ये आ गया। तो वी से वी कट जाएगा। अगर आप डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास टू डी एक्स और टू डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वी ऑफ डी बी। अब अगर दो तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रेंड्स, तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये टर्म जो है ये तो हो जाएगी टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस बी का लॉग वन प्लस वी, ये हो गया। हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन है वी एट जीरो पे जीरो है तो वी एक्स बराबर जीरो अगर पुट करें तो हमारे पास ये जीरो आता है। तो ये एक्स बराबर जीरो पे जीरो प्लस सी इक्वल टू लॉग, चूंकि एक्स बराबर जीरो है तो ये जीरो है यहाँ पे तो वन लॉग वन की वैल्यू भी जीरो होती है तो ये हमारे पास जीरो हो गए। यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि सी बराबर भी जीरो है। तो अब यहां से हमारे पास आ गया ये इसको लिख सकते हैं लॉग वन प्लस वी इक्वल टू टू एक्स। अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग लेने पे हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वी इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, या यहां से वी बराबर ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। वी की जो वैल्यू है, वी की वैल्यू है वी बराबर ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे। इससे पहले हम फ्रेंड्स 12 लेक्चर हम इसमें पढ़ चुके हैं, 12 लेक्चर को आप जरूर देखिए, जहां से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के कोई भी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, लेक्चरर का हो, नेट हो, एसआरएफ गेट हो, किसी भी तरह का पेपर हो, उसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।